अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, मैं असद कुरैशी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हमारे दोस्त हारून भाई की सालगिरह है, और कल थी बल्कि, और आज हमने प्लान किया कि आज हम उनकी सालगिरह मनाने के लिए मैं और बकर जो है वो भी जाएंगे और रेस्टोरेंट में कोई ना कोई खाना चाना खाएंगे, और वो खाना खा के फिर चाय चाय पी के फिर वापस आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, हारून भाई को पहले लेने जा रहे हैं, हम जाएंगे होंडा 125 पे और उनको पिक करके फिर हम जाएंगे रेस्टोरेंट। तो आइए। तो ये है मालिक अबूबकर साहब, और इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं भजन? अरुण साहब का। क्या स्क्रॉल कर रहे हैं अरुण साहब? आपको जलील करा रहे हैं हर बार की तरह? नहीं, बस वो एक शर्ट पहन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पांच नहीं, क्या मिनट क्या करने आया यहाँ पे आप? अरुण साहब की बर्थडे थी कल, तो मिस हो गई है। अच्छा, केक काटना? आज उनका केक काटना, उनको दावत देना चाह रहे हैं। अच्छा, दावत देना? कहाँ पे दावत देना चाह रहे हैं? रेस्टोरेंट उनकी मर्जी का होगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी। और केक हमारी मर्जी का? केक हमारी मर्जी का, सब कुछ हमारी मर्जी का। ओके, ये जो लोग लाहौर में मौजूद हैं, यहाँ रोहन भाई का घर है और ये बाहर नहीं आ रहे, इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जो टाइम देते हैं कभी इन्होंने टाइम की पाबंदी नहीं की, और अभी हमें 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट से ये इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट के आगे बकर साहब खड़े हैं, नहीं आ रहे बाहर। मैं अरुण राठौर, जब भी ये लाहौर में आते हैं हमारी जान नहीं छोड़ते, वैसे कहीं भी नहीं जान छोड़ते। भाईजान की बर्थडे है आज, चेक करें, ड्रेसिंग चेक करें, पहली बार जिंदगी में खुशबू आ रही है इनसे आज। जनाब, तो ये बर्थडे बॉय बॉय ही है बॉय, ये दूसरा बॉय भी साथ है, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इनकी शादी नहीं, आपकी भी है, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरा कीका होगा। कीका हो गया? इस बेचारे का कीका भी नहीं हुआ, कीके के इंतजार में है। क्या दुआ देते हैं इसके लिए? किसके लिए? ये बॉय साथ जो बैठा आपके, इनको अल्लाह ताला डबल केबिन डाला दे, बेगम ने हर जगह जाने वाले निकल आते हैं। अब ये भाईजन इनको स्पेशल पूछ रहे आके कि क्या ऑर्डर दिया आपने, आप बताएं, हुक्म करें। ये भाई साहब देखें अपने मज़ों में लगे हुए हैं। इनको हर उम्र ने बताया कि सैलड पूरी प्लेट में डाल सकते हैं, अब ये शिदाई हो गए, डाली जा रहे हैं सैलड। जैसे इमरान भाई आपकी सालगिरह पे नहीं आ सके, तो फिर आपको जाना पड़ा उनके पास। उनका मुझे मैसेज आया था कि मैं ऑफिस में बिजी हूँ, आप मेरे ऑफिस आए, मैं आपको बर्थडे विश करता हूँ। ऐसा ही हुआ था भाई। अब साथ साथ ना खाने के साथ साथ काम की बातें भी करें। असद बताएं, फिर इमरान रियाज ने क्या कल फाइनल किया कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? किस चुबेड़ा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है यार? आप बातों को मजाक में ला रहे हैं। अच्छा, 3 बल्ले का प्लाट ले रहे, उसने कहा मैं मिलके लूंगा। इन्वेस्टमेंट मसला आ गया, इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हो रही। पूरी नहीं हो रही? 3 बल्ले का प्लाट है। अच्छा, 3 बंदे के इतने में 86,000 रुपया आता है। मरला डिवाइड करना है कि ऊपर वाला किसान लेना, नीचे वाला किसान। टोटल 87 मरले बने। बात रुकी किस वजह से? वैसे आपको बात करके शर्म नहीं आई? असल में बात रुकी किस वजह से है, मैंने उन्हें कहा कि प्लाट जहाँ घर लेना 3 मरले का, उसके अंदर नहाने वाला टोया भी बनाना है। मेरा मतलब कुछ नहीं बोल, तू उस पर नहीं मान रहा। उन भी आज इतलात आई है कि बलोचिस्तान में जो है वो जो लेफ्टिनेंट फराज साहब हैं, सरफराज, वो शहीद हुए हैं और शहादत का रुतबा हासिल किया उन्होंने, और हेलीकॉप्टर जो है वो लसबेला में जो क्रैश हुआ, और कोर कमांडर थे कोयटा के, और इससे पहले बहुत सारे खिदमात लोग आवाम में सर अंजाम देते रहे, बलोचिस्तान के लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। क्या कहना चाहेंगे इस बात? सबसे पहले तो बलोचिस्तान के अंदर जो सैलाब जदगान हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। उसके बाद हमारे जो जवान जो लसबेला के अंदर हमारे करीब जो क्रैश हुआ, उसके अंदर मैंने ये सुनने में आया था कि नेक्स्ट आर्मी चीफ थे आपके ब्रिगेडियर सरफराज, सॉरी लेफ्टिनेंट, लाइनअप थे, लाइनअप बोल रहे हैं, लाइनअप थे, तो उनकी भी जो काविशें जो कुर्बानी, लेफ्टिनेंट सरफराज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, तो उनकी जो काविशें और जो कोशिशें अल्लाह ताला उनको कबूल करे। और बड़ा एक अलमनाक सन है हमारे लिए भी, तमाम कौम के लिए भी, तो हमें दुआ गो होना चाहिए हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, इस तरह जाके अपनी जानों के नजराने पेश करें, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को, इनकी शहादतों को अपनी बारगाह में कबूल करे। शहर फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन में चला रहे हैं भजन, कोई सैलाब जदगान के वाले से कोई आपने प्लान किया है कुछ चीज़ें यहाँ से भिजवाने के लिए? डोनेशन वगैरह काफ़ी सारी ट्रस्ट कंपनीज हैं, सॉरी ट्रस्टीज हैं, उनको भेज रहे हैं हम लोग पैसे वगैरह। होपफुली इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम हो सके उनके लिए करेंगे, ताकि जिस तरह हम लोग अपनी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी इसी तरह अच्छे से स्पेंड कर सकें। रोटी आ गई है, हांडी, नान, क्या बात है, हाँ ये बगैर जो है ना वो ये जो पड़ा ना शॉपर, इसकी वजह से इनसे मुलाकात हो सकी, वरना लिफ्ट नहीं करती। आजकल सीएम साहब के पास फिर रहे हैं,
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब की मीडिया टीम में होते हैं। थैंक यू भाई जान, आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपके आपके वजीर अल्लाह उतर गए लेकिन आप अच्छा नहीं लग रहा। जी जनाब, तो ये आज का व्लॉग था और आज आपने देखा कि हारून भाई की हमने सालगिरह मनाई है और हमने खाना खाया और इमरान रियाज खान के साथ जो मुलाकात हुई है उस हवाले से जो हमारे जो थोड़ा बहुत शुगल था हमने वो लगाया और अब मैं घर पे आ गया हूँ और अब सोने का वक्त है। तो ये आज का व्लॉग था और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा क्योंकि यूट्यूब पर मेरे चैनल पर व्लॉग्स का और मेरी वीडियोज़ का आने का सिलसिला जो अब जारी हो चुका है। मुसलसल इस तरह की वीडियोज़ और मुस्तकिल व्लॉग जो है वो आते रहेंगे, तो आपने देखना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।